समाचार मिली है, हम लोग ये जानते हैं बरसात का समय है, काफी अब नॉर्मल वर्षा हुई है, इसलिए पुल के गिरने का सिलसिला है, लेकिन उसके बावजूद भी पुल क्यों गिरा है इसकी जांच के लिए यहाँ के मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील है। कल ही उन्होंने बैठक ली है और सख्त निर्देश दिया है कि अगर इसमें कहीं किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई है उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाए। बिहार की सरकार बहुत ही तत्परता के साथ और गंभीरता के साथ ली है पुल के गिरने का वजह, और उसमें जो भी लापरवाही किए होंगे और जो दोषी पाए जाएंगे राज्य सरकार बिहार सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। वह बहुत दुखद है और संवेदनशील है और उस पर घटना की पूरी तरह से तहकीकात की जा रही है, और जब तहकीकात के बाद जो तथ्य आएंगे उस पर निश्चित रूप से राज्य सरकार निगरानी रख रही है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और नित्यानंद राय आज पटना पहुंच चुके हैं, और पटना पहुंचते ही पत्रकारों ने सवालों के कटघरे में इन लोगों को खड़ा कर दिया और पूछा कि आखिरकार बिहार में इतने सारे पुल गिर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आपसे सवाल कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे। तो हम सबसे पहले चाहेंगे कि जीतन राम मांझी और नित्यानंद राय का वो बयान सुनिए, साथ में जीतन राम मांझी ने हाथरस कांड के बारे में भी क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। समाचार मिली है, हम लोग ये जानते हैं बरसात का समय है, काफी अब नॉर्मल वर्षा हुई है, इसलिए पुल के गिरने का सिलसिला है, लेकिन उसके बावजूद भी पुल क्यों गिरा है इसकी जांच के लिए यहाँ के मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील है। कल ही उन्होंने बैठक ली है और सख्त निर्देश दिया है कि अगर इसमें कहीं किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई है उस पर आवश्यक कार्रवाई किया जाए और कड़ी कार्रवाई की जाए। देखिए, हिंदुस्तान आस्थाओं का देश है, यहाँ पर बहुत प्रकार के बाबाएँ हैं, न बुलाने पर भी बहुत लोग आ जाते हैं। ये प्रशासन को चाहिए था वहाँ पर कि जब संख्या मात्र 80,000 की थी, जुट गया 2.5 लाख, तो उसको मैनेज करना चाहिए था, या सेवादार लोग थे जो प्रबंधक थे उनको इसके एहसास अगर थी तो प्रशासन से मदद लेना चाहिए था, वो नहीं प्रशासन से मदद लिए, बावजूद उसके उत्तर प्रदेश की सरकार सख्त है और आवश्यक कार्रवाई कर रही है, गिरफ्तारियां चल रही है, बाबा का भी खोज के लिए इनाम घोषित किया गया है। आइए, आप लोग का भी स्वागत है वहाँ। देखिए, वह बहुत दुखद है और संवेदनशील है और उस पर घटना की पूरी तरह से तहकीकात की जा रही है, और जब तहकीकात के बाद जो तथ्य आएंगे उस पर निश्चित रूप से राज्य सरकार निगरानी रख रही है, और माननीय प्रधानमंत्री जी भी उस घटना के प्रति अति संवेदनशील है, और जो सहयोग केंद्र सरकार से होनी चाहिए वो उस समय प्राप्त भी कराई गई है, और जो जांच में जो तथ्य आएंगे उस पे जरूर राज्य सरकार कार्रवाई करेगी। बिहार में पुल गिर रहे हैं सर, बिहार में पुल गिर रहे हैं। हाँ, बिहार में जो भी पुल गिरे हैं उसके प्रति बिहार की सरकार बहुत ही तत्परता के साथ और गंभीरता के साथ ली है पुल के गिरने का वजह, और उसमें जो भी लापरवाही किए होंगे और जो दोषी पाए जाएंगे राज्य सरकार बिहार सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। तो सुना आपने, सीधे तौर पे नित्यानंद राय और जीतन राम मांझी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों के साथ बैठक की है, और जो जो इस पूरे मामले में संलिप्त पाया जाएगा और जिसकी लापरवाही की वजह से पुल गिर रहा है उसको सजा ज़रूर होगी। साथ में जीतन राम मांझी ने हाथरस कांड के बारे में ये कहा कि हिंदुस्तान जो है वो श्रद्धा का देश है, हर कोई पूजा करता है, और जाँच का विषय है, अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।